भले किसी को इज्जत ना दीजिए, बड़ा ना मानिए, उसमें बाबा साहब की आत्मा को तकलीफ नहीं होगी, बाबा साहब की कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को आपने छोटा मान लिया, वहीं पे हमारा जो संविधान है वो कमज़ोर हो जाता है। मानवीय वेदना कम से कम हो, और हम भले किसी को अपने से बड़ा ना माने, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी इस दुनिया में जो इंसान बन के आया है वो कम से कम हमसे छोटा नहीं है। हम भी आपको करते हैं, क्या हम अपने आप को सबके बराबर समझते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और अगर नहीं समझते हैं तो उसकी वजहें क्या हैं। बाबा साहब का जो मूल मंत्र रहा है, ये इक्वलिटी को कल्चर के रूप में जाहिर करने का जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसमें भी इजहार करने के तरीके बहुत सारे लोग अपने हिसाब से करेंगे। हम आपको इसको प्रिजर्व करना है, हम उस किससे ज़्यादा करते हैं, किससे कम करते हैं, ये मापने की बजाय हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे RSVS का जो मौलिक उद्देश्य रहा है वो हमेशा यह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी को, विविधता को, जो हमारे भारत की पहचान है, जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, उनको एकात्मसात करना है। अगर हम नापेंगे तो हम क्राइसिस में पड़ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट यह है कि कल्चरल वेज जो भी अपने हैं, कल्चर में हमारे आपके ईद भी आती है, कल्चर में हमारे आपके होली दिवालियाँ भी, दिवाली भी आती है, लोहड़ी भी आती है, त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों से ये त्यौहार जो है हमारे बाबा साहब द्वारा दिया हुआ है, जिसमें इक्वलिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इसकी प्रतिस्थापना या इसकी मजबूती कितनी है, कितनी ताकत है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इज्जत करते हैं बाबा साहब को। जहाँ तक उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जो भी कहा है उन्होंने, सारी की सारी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वो चाहे मेडिकल साइंस उसको तोल ले, फिजिक्स तोल ले, केमिस्ट्री तोल ले, जितनी भी साइंस है उनमें कहीं से भी बाबा साहब की बातें, जब भी उनको कोई परखता है या उस पर गौर करता है तो वो और ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो ये जो टॉपिक आज का रखा गया है, जिसके बारे में दो बात हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, कल्चर ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का जो मूल मंत्र है ये सभी चीज़ों का जड़ है। वो कोई भी जैसे गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, कहीं से भी जहाँ भी इक्वलिटी हमारी हर्ट होती है वहाँ पे तकलीफ होती है। जब आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है, कम समझता है, आपको तकलीफ होती है। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है, विनती है आज के इस आयोजन के माध्यम से कि जैसे किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको तकलीफ हुई, उसी तरह आप बहुतों को अंडर एस्टिमेट करते हो, उनको भी तकलीफ होती है। जहाँ तक कोशिश हो कि अगर हम किसी को अपने से बड़ा मानने की गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारें, और जिसको हम अपने से छोटा मानते हैं वो ना माने। क्योंकि अगर आपने किसी एक को बड़ा मान लिया और दस को अपने से छोटा मान लिया, तो जो आपने एक, जो ये कल्चर ऑफ इक्वलिटी है, जो मूल मंत्र है बाबा साहब का, समानता की बात जो है, ये हमारी हर्ट होती है, इसको चोट पहुंचती है, ये कमज़ोर होता है और इससे मानवता कराती है। आज का ये आयोजन, जो पैनल डिस्कशन
रिस्पेक्टेड माझी साहब हैं और रिस्पेक्टेड पिपल साहब हैं, आप सारे एक दूसरे को जानते हैं, सारे सारे जुझारू लोग हैं, सभी ने जी जान लगाया है इसी एक बात को आगे बढ़ाने में कि हमारी मानवीय वेदना कम से कम हो और हम भले किसी को अपने से बड़ा ना माने, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी इस दुनिया में जो इंसान बन के आया है वो कम से कम हमसे छोटा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है कि अभी 26 जनवरी के दिन आप देखेंगे कोई हमारे तिरंगे को बड़ा करके कह रहा है कि हम ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं बाबा साहब को, हम गणतंत्र दिवस की ज़्यादा मान रहे हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा मानिए, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ वहाँ होता है जहाँ आप किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, किसी भी मानवीय वेदना को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम मानते हैं, छोटा मानते हैं। भले किसी को इज्जत ना दीजिए, बड़ा ना मानिए, उसमें बाबा साहब की आत्मा को तकलीफ़ नहीं होगी, बाबा साहब की कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को आपने छोटा मान लिया, वहीं पे हमारा जो संविधान है वो कमज़ोर हो जाता है। तो चाहे हम दिवाली मना रहे हों, होली मना रहे हों, ईद मना रहे हों, क्रिसमस मना रहे हों, या इंडिया के भी किसी कॉर्नर में, तो हर जगह अगर आपने अपने को बाबा साहब का अनुयायी समझते हैं, मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आज का टॉपिक हमने रखा है कल्चर ऑफ इक्वलिटी, वो सभी कल्चर के विविध रूप हैं, अलग अलग रूपों में निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी जो आपसे लाइन में चल रहा है वो आपसे अगर पीछे है तो कोशिश करें वो आपसे आगे चले, क्योंकि अगर आप आगे रहेंगे तो आपके फ़ोटो आ जाएंगे, आपके नाम की जय जयकार हो जाएगी, माला पहन जाएंगे, अखबारों में दूसरे दिन नाम छप जाएगा, लेकिन जो तकलीफ, जो चोट, जो कष्ट भारत की आत्मा को आप पहुंचा देंगे, उसकी इजाज़त हमारा कानून, हमारा संविधान नहीं देता है। इसलिए कल्चरल एक्टिविटी जो हमारी हैं, खास करके डे टू डे से लेकर के और साल में 4-6 जो मेजर फेस्टिवल के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे हमें इक्वलिटी का जो शब्द है हमारे कानून का, हमारे संविधान का, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आज के जो डिस्टर्बेंसेस हम लोग देख रहे हैं वेरियस फॉर्म्स में, मेरा अपना सोचना है कि सबका रीज़न यही है कि वहाँ पे इक्वलिटी को हर्ट किया जा रहा है। अपने से बड़ा मानने की आदत पड़ गई है लोगों को, तो लोग अपने से बड़ा मानने का दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अगर वो किसी एक इंसान को अपने से बड़ा मानते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो कम से कम 1,000 लोगों को अपने से छोटा मान के और तकलीफ़ देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।